रसिका भुवि भावुकाः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामिन जगदाधार जगदीश्वर परमात्मा की असीम अनुकंपा से सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस की सत्संग वेला में आप लोग पधारे हैं। भागवत में एक श्लोक आता है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इसका तात्पर्य यह है कि हे भागवत जनों, तुम नित्य निरंतर इस भागवत के रस का पान करते रहो। बोले कितने दिन करें, कितनी बार करें? बोले जब तक तुम्हारी इंद्रियों के अंदर में संसार की आसक्ति ना छूटे, जब तक तुम्हारे मन में संसार की आसक्ति धीरे धीरे छूट जाए तो अपने आप ही प्रभु का स्मरण होने लगेगा। भागवत रूपी फल ये ऐसा बताया है कि कोई भी फल आप ले लो, उसमें या तो छिलटा निकलेगा या उसमें गुठली निकलेगी। केले के फल में छिलटा निकलता है और आम में गुठली निकलती। तो संसार का ऐसा कोई फल नहीं है जिसमें या तो छिलटा ना हो या गुठली ना हो, एक न एक चीज तो मिलेगी। लेकिन भागवत का ये जो फल है, ग्रंथ है, इसमें ना तो कोई गुठली है और ना ही छिलटा है। ऐसा परिपक्व फल है जिसका हे रसिक जनों तुम पान करते रहो। ऐसा वेदव्यास जी अपने भागवत के अंदर में श्लोकों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। वेदव्यास जी ने 17 पुराण बना दिए। एक दिन बद्रिकाश्रम के पास सरस्वती नदी के तट पर विराजमान है। वेदव्यास जी उदास हो रहे हैं। थोड़े समय में वहां पर देव ऋषि नारद जी पधारे हैं। वेदव्यास जी उदासी में बैठे हैं, नारद जी आवाज लगा रहे हैं, व्यास जी व्यास जी। एकदम नजदीक जाकर के वेदव्यास जी के पास पहुंचे। जैसे ही नारद जी को देखा, वेदव्यास जी खड़े हो गए, ऋषिवर आज आप यहां पर कैसे पधारे? नारद जी ने कहा कि हमारा तो काम ही इधर उधर घूमना ही है, एक जगह हम टिक भी नहीं सकते। लेकिन आप एक बात बताओ, मैंने आपको इतनी आवाज दी फिर भी आपने सुना नहीं? तो वेदव्यास जी कहने लगे, नारद जी क्या बताऊं, आज मैं बहुत थक गया हूं, उदास हो गया हूं। क्यों, क्या बात हुई, क्यों उदास हो गए? बोले मैंने 17 पुराण लिख दिए हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए, महाभारत जैसा ग्रंथ की रचना कर दी, फिर भी आज मेरे मन में शांति नहीं है। वेदव्यास जी क्या कह रहे हैं, मैंने 17 पुराण बना दिए, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना कर दी, फिर भी मेरे मन में आज शांति नहीं है, उदास हो रहे हैं। तो नारद जी कहने लगे कि वेदव्यास जी एक बात बताओ, तो आपने ये जो ग्रंथ लिखे हैं, इतने ग्रंथ लिखे कि गणेश जी का नाम लिया तो गणपति गणपति की उसमें रचना कर दी, गणेश जी ऐसे हैं, गणेश जी ऐसे हैं,
शिव पुराण ली तो उसमें शिवजी शिवजी का बखान कर दिया, देवी पुराण ली तो उसमें देवी देवी की बातें कह दी। अब आपके भक्त लोग जो कोई देवी पुराण सुनेगा कोई शिव पुराण सुनेगा तो भ्रमित हो जाएंगे। वेदव्यास जी एक बात बताओ, आपने ये पुराण ये शास्त्र क्यों लिखे? तो वेदव्यास जी ने कहा कि मैं दुनिया के लोगों को समझाने के लिए लिखा हूं, दुनिया के लोग समझ जाए। नारद जी कहने लगे, वेदव्यास आपने जो ग्रंथ लिखे इसलिए आपको शांति नहीं मिली है, आप उसमें डूब करके ग्रंथ को नहीं लिखे। देवऋषि नारद जी अपना पूर्व चरित्र कहने लगे, देखो वेदव्यास जी मेरे पास भी ऐसी घटना हुई है। तो देवऋषि नारद जी अपना पूर्व चरित्र बता रहे हैं पहले जन्म का, कि मैं पहले जन्म में क्या था और क्या बन गया। देवऋषि नारद वेदव्यास जी के पास में अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। वेदव्यास पूर्व जन्म में मैं एक दासी का लड़का था, मेरी मां 10-5 घरों में बर्तन साफ करती, झाड़ू पोंछा करती। इस तरह है हमारे जीवन का भरण पोषण चल रहा था। एक बार हमारे गांव के अंदर में संत लोग आए, देखो आज भी जगह जगह गांव में चातुर्मास होता है, अपने नागपुर में भी होता है ना चातुर्मास, तो ऐसे छोटे छोटे गांव में भी कई लोग चातुर्मास संतों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे गांव में 4 महीना रह करके भजन करो। तो नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ 10-5 घर में बर्तन साफ करती, झाड़ू पोछा करती, तो मैं जिस गांव में रहता था उस गांव में एक बार 10-15 साधु लोग आए। संध्याकालीन हो रहा था, रात्रि हो रही थी, तो रात्रि में हमारे गांव में ही वो जो गांव की चौपाल होती है उसमें जाकर के बैठ गए। अपने पास में छोटी छोटी भगवान की मूर्तियां थी, उनको सामने बिठा लिया, प्रसाद बना लिया और भगवान को भोग लगाया और साधु वहां पर बैठ करके भगवान के भजन गाने लगे, सुंदर सुंदर भगवान के दोहे गाने लगे कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। अरे एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनि आज, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। Bye.
गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद 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 गोपाल राधे। वेदव्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी अपना पहले जीवन की घटना बता रहे हैं। नारद जी रोने लगे। वेदव्यास जी ने पूछा कि ऋषिवर आप क्यों रो रहे हैं? नारद जी कहने लगे कि वेदव्यास जी क्या बताऊं, एक छोटे से चपड़ासी को अगर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो क्या उसको खुशी नहीं होगी? एक 10-5 ग्रह में झाड़ू बर्तन पास करने वाला, सफाई करने वाले बालक को अगर प्रधानमंत्री की पदवी मिल जाए तो उसको खुशी होगी कि नहीं होगी? मेरे में भी ऐसा ही हुआ था। पूर्व जन्म में एक दासी का लड़का, नारद जी अपना दृष्टांत सुना रहे हैं। कथा स्मरण और सत्संग का फल, कथा सुनने से, संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है। नारद जी कह रहे कि मैं दासी पुत्र था, हमारे गांव में एक बार संत लोग आए हैं, सायंकाल का समय हुआ, संत लोग अपने पूजा पेटी खोलते हैं और भगवान की भजन और कीर्तन की बड़ी तेज आवाज में सत्संग करने लगे। हम छोटे छोटे बच्चे जब महात्मा लोग सत्संग कर रहे थे, आरती कर रहे थे, भजन कर रहे थे, तो हम भी उनके पास में जाकर के बैठ गए। आरती हुई तो सब महात्मा लोग उठ करके प्रसाद बांटने लगे। ऐसे इतने सुंदर दोहे गाए तो गांव के लोगों ने कहा कि महात्मा जी अभी चातुर्मास प्रारंभ होने वाला है, आप हमारे गांव में ही चातुर्मास कर लीजिए। संतों ने कहा भाई हमको तो कहीं न कहीं चातुर्मास करना ही है, आप लोग हमें बार बार आग्रह कर रहे हैं तो आपके गांव में ही कर लेंगे। देखो जिस गांव में संत महात्मा आ जाए तो समझ लो कि उस गांव के अंदर में कुछ अच्छा होने वाला है। तो संत लोग रात्रि में रुके तो दूसरे दिन आकर के गांव के लोग कहने लगे महात्मा जी आपको हमारे गांव में ही सत्संग करना पड़ेगा, हमारे गांव में चातुर्मास 4 महीना आप यहीं रह करके भजन करो। महात्मा ने कहा ठीक है। 15-20 महात्मा उसी गांव में सुबह से शाम तक भजन पूजन कीर्तन सत्संग चलता रहता। नारद जी कहते हैं कि मैं छोटा बालक था, मेरे को साधुओं की सेवा में लगा दिया। मैं साधुओं के उठने से पहले गुरु जी के लिए तुलसी पत्र लेकर के आ जाता, उनके आश्रम के झाड़ू लगा देता, रोज उनकी सेवा करता। सेवा करने वाले पर संत कृपा करते हैं। नारद जी कहते हैं कि प्रातःकाल होते से ही मैं संध्या वंदन से निवृत्त होकर के महात्माओं की सेवा करता, उनके जूठे बर्तन साफ कर देता। गुरुदेव की भक्ति का मेरे जीवन में रंग आने लगा। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का संग करता है उसका धीरे 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 असर होने लगता है। महाराज संतों का संग करने से संत लोग प्रातःकाल आरती करते,
भगवान की स्तुति का गान करते, दोपहर के समय में संत लोग भगवान की कथा वार्ता सुनाते तो मैं प्रेम से सुनता था। एक महीना दो महीना व्यतीत हुआ, मेरे को भगवान की स्तुतियां याद होने लगी। स्तुतियां में याद करके संत लोग जब गाते थे तो उनकी राग में राग मिला लेता था। संत लोग गाते थे सुबह प्रातःकालीन में, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज जी। कह रहे हैं वेदव्यास जी, क्या बताऊं, जब संत लोग भगवान की कथा वार्ता सुनाते हैं, स्तुति गाते हैं, तो मैं बड़ा तन्मय हो जाता। जब भगवान की कथा वो सुनाते थे तो मेरे को कुछ भी मालूम नहीं रहता, भगवान की लीला के अंदर में डूब जाता। सेवा करने वालों पर संतों की कृपा हो जाती है। नारद जी कहते हैं कि मैं कोल भील के बालकों के साथ में खेला करता था। दोपहर में मेरे गुरुजी जब कथा किया करते थे तो मैं भी बैठ करके भगवान की कथा श्रवण किया करता था। हम छोटे छोटे बालक भगवान को प्यारे लगते थे। कथा सुनकर प्रभु की प्रति मेरा प्रेम जागृत हो जाता। कृष्ण कथा ये प्रेम की कथा है। कृष्ण कथा में गोपियों को, स्त्रियों को, बालकों को, सबको आनंद आने लगा। भगवान की कथा ऐसी ही दिव्य है, सबको आनंद देती है। इस कथा के कारण मेरा खेलना छूट गया। मैं रोज खेलने के लिए जाया करता, लेकिन जब से मैं गुरुदेव के सामने बैठ करके कथा श्रवण करता था तब मेरे को खेलना अच्छा नहीं लगता कि मैं कथा सुनूं। जब भी समय मिलता आकर के गुरुजी के सामने बैठ जाता और कथा प्रेम से सुनता। मेरे गुरुदेव जो थे पागल बन करके कथा कहते थे। मनुष्य संसार के पीछे पागल बनते हैं, उस दशा में वो मुक्त नहीं हो पाते हैं। भगवान के पीछे जो पागल बने जीव शिव हो जाते हैं। संतों की आंखें शुद्ध होती है, पवित्र होती है। संत आंखों से पाप नहीं करते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि हर जीव के अंदर मेरे भगवान का निवास है। उसका जीवन सुधर जाता है। माला फेरते समय जिस शिष्य की याद आ जाए समझ लो कि उस शिष्य का कल्याण हो जाएगा। आपको कोई तीर्थों में बैठा हुआ संत आपको याद करे तो समझो कि आपका भगवान के प्रति प्रेम है। महाराज नारद जी कहते हैं कि मेरे गुरु जी मुझे बार बार निहारते, कहते ये बच्चा बड़ा समझदार है। गुरुदेव को भी आनंद आता, प्रसन्न हो जाते। सब गुरुदेव प्रसाद लेकर के अपने आश्रम में विश्राम को जाते तो मैं उनकी जूठी पत्तल से उनका जूठन खा लेता था।
संत महात्माओं की जूठन खाने से मेरी बुद्धि भी भगवान के भजन में लगने लगी। आज गुरुदेव ने बड़ी कृपा की है, एक दिन गांव के अंदर में भंडारा रखा, चातुर्मास पूरा हुआ, महात्मा लोग सब गांव को निमंत्रण दिया कि आज यहाँ पर भंडारा है, प्रसाद है, सब लोग गांव के यहीं पर भोजन करो। सब गांव के लोग भोजन करके जा रहे हैं। मैं प्रातः काल उठा, सबकी जूठी पत्तल उठा उठा करके बाहर फेंक रहा था। दोपहर के 12-1 बज रहे थे। मेरे गुरुदेव को मेरी याद आई और कहकर बुलाए, बेटा तुमने भोजन किया कि नहीं? मैंने कहा, गुरुदेव आज तो भंडारा है, इतना काम है कि मेरे को भोजन करने का समय नहीं है। उस दिन गुरुजी ने अपने गोद में बिठा करके मुझे भोजन कराया, आशीर्वाद दिया, बेटा एक दिन तेरे पर भगवान की कृपा होगी, भगवान का तुम्हें दर्शन होगा। चातुर्मास पूरा हुआ, सब संत लोग जाने लगे, गांव के लोग द्रव्य दक्षिणा लाकर के संत के चरणों में चढ़ा दी। मैं छोटा बालक, मेरी माँ गरीब थी, विधवा थी, मेरे पास दक्षिणा चढ़ाने को कुछ था नहीं। भगवान की कथा सुनने के बाद में मेरे को संसार अच्छा नहीं लगता, केवल इन संतों का संग करूं। बार बार यही इच्छा जागृत हो रही है कि मैं संतों का संग करूं। मैं अपनी माँ से कहने लगा कि माँ मैं संतों के साथ चला जाऊं। माँ रोने लगी।